जब डोरेमोन देने वाला है एलिमेंटल पावर, और इन एलिमेंटल पावर को लेने के लिए तुम्हें इन एलिमेंट्स को कलेक्ट करना होगा। और कभी कभार तो हम लोग इस घाय में भी घूमने वाले हैं, और कई कबार तो हमें ड्रम से भी बचना होगा, और फिर जो लास्ट में पहुंचेगा उसकी एलिमेंटल मॉन्स्टर के साथ फाइट होगी। और हाँ गाइस, लास्ट में तो हमें गोल्ड एलिमेंटल पावर भी मिलने वाली है। कि दोस्तों, सबसे पहले मैं और मुझे फायरमैन बनने के लिए फायर एलिमेंटल पावर लेनी है। अरे सिंचन, मैं तो कहता हूँ रहने दो, कहीं तुम इस फायर से चल ना जाओ। दोस्तों, बातें तो बहुत होगी यार, आप मुझे फौरन से रन करना होगा और ये सारी फायर एलिमेंटल पावर को लेना होगा। सिंचन तो जैसे जैसे इस फायर एलिमेंट को ले रहा है, इसकी बॉडी तो फायरमैन में चेंज हो रही है। और ये देखो सिंचन की तो बॉडी से आग निकल रही है। इस बोधू ने तो आग से टक्कर कर अपनी फायर को मिटा लिया। सिंचन अगर ऐसे ही चलने रहा तुम्हारी तो फायर सारी खत्म हो जाएगी और तुम लास्ट में भी नहीं पहुँच पाओगे। इस आइस कुत्ते में सिर्फ टेस्ट कर रहा था और अब मैंने फिर से फायर को लेना शुरू कर दिया, और ये देखो अब तक मैं उड़ भी चुका हूँ। लास्ट में तो बहुत ही खतरनाक शार्क मॉन्स्टर है। आयरन कितने मुझे पावर दिखानी होगी और इस शार्क के बच्चे को मारना होगा। टुल्लू का बट्टा, ये शार्क का बच्चा नहीं, शार्क का बाप है, ये तो तुम्हारी दुनिया उड़ा देगा। दोस्तों, दोनों के बीच फाइट तो बहुत ही मजेदार चल रही है, लेट्स सी दोनों में से कौन जीतता है। प्रीति सिंचन तो गया क्योंकि इसकी पावर बहुत कम रह चुकी है। मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा, इसे मैं जीतने नहीं दूंगा। और ये देखो, मैंने एक लात मारी और फाइट जीत ली, और ये रहा हमारा नेक्स्ट लेवल। ओके, अब बारी मेरी आ चुकी है, इस बार मैं लेने वाला हूँ स्पेस पावर। लेकिन जान, तुमने ये गाय का सिंह क्यों पहन रखा है? मुझे तो लगता है अगर बॉस की पावर कम लगी तो बॉस तो एनिमी को सिंह से मार डालेंगे। बिल्कुल चुप बोलना है सिंह, मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐड दूंगा, और आप गाइस मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा ताकि मैं स्पेस पावर को कलेक्ट कर पाऊँ अच्छी तरह से। ऐसे जान, तुम्हारे पास तो इस टर्नेडो का भी ऑप्शन है, तुम टर्नेडो को भी कलेक्ट कर सकते हो। सिंचन की तरफ मैं बुद्धू नहीं, जो कि मैं दो दो पावर लूँ, मुझे तो सिर्फ स्पेस पावर को कलेक्ट करना है। क्या बात है जान, तो माइंड ब्लोइंग माइंड यूज कर रहा है। अरे बाप रे, ये देखो यहाँ पर तो कितने ढेर सारे रॉकेट है। बला हुआ जान इससे बच गया, वरना अगर ये इसे टकरता तो इसकी तो बहन बचने वाली थी। अब तो मेरे पास पूरी तरह से स्पेस पावर आ चुकी है, और अब तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। मैं मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा, बोस तो आप उड़ना शुरू हो चुके हैं। देखते हैं लास्ट में आप कौन आया अपनी हड्डियाँ तुड़वाने के लिए। और ये तो कोई आम नहीं, बल्कि ये तो आइस मैन की पावर वाला है, मॉन्स्टर एनिमी है। मेरे आगे तो कोई भी टिक नहीं पाएगा, और आप गाइस जल्दी से मुझे इसकी धज्जियाँ उड़ानी पड़ेंगी। लेकिन जाल अभी तो फिलहाल ये तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा रहे, क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत कम हो चुकी है। इससे प्यार से क्या बात कर ली है, तो मेरे सर पर चढ़ गया, और आप मुझे जल्दी से मारना होगा। ये हुई ना बात, तो फाइनली बॉस ने ये फाइट जीत ली। ओके दोस्तों, ये देखो अब बारी मेरी आ चुकी है, और मैं लेबोरेटरी में आ चुका हूँ एलिमेंटल पावर को कलेक्ट करने के लिए। और इस बार तो नोबिटो ने बहुत ही खतरनाक इनके स्कॉल पावर को चुन लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे और इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए मुझे फौरन से रन करना होगा। मैं तो कहता हूँ ना नोबिटो से हमें दूरी रहना चाहिए, कहीं इन कॉपियों से हमारे ऊपर काला जादू ही न कर दे। अरे बोचा नहीं, क्या तुम बकवास कर रहे हो, मैं कोई काला जादू करने वाला नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पर पावर लेने आया हूँ। कि ये सारे स्कल तो नोबिटो के अंदर जा रहे हो, नोबिटो के अंदर स्कल की पावर आती जा रही है। सारे स्कल एलिमेंटल पावर लेकर तू अब नोबिटो पूरी तरह से स्कल मैन बन चुका है। क्या मुझे रुकना नहीं चाहिए, और भी ढेर सारी पावर लेनी चाहिए ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन पाऊँ। तो हम देख लेंगे लास्ट में कि तुम कितनी ज्यादा पावर लेकर आए हो। शार्क के साथ है बेटा, क्या तुमने हॉक पावर लिया? ये तो आते साथ ही तुम्हारी दरिया उड़ाता जा रहा है। ऐसा तो हरगिज होने में नहीं दूंगा, और ये मुझे हरा नहीं सकता, और आप गाइस मैंने इसे पीटना शुरू कर दिया है। बेटा ने तो एक दिन से घुसूर के नीचे मारो और ये फायर जीत ली। ओके, अब तो तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि मैं आप सबसे खतरनाक एलिमेंटल पावर लेने वाला हूँ। अरे दोस्तों, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम लोग कौन सी एलिमेंटल पावर लेने वाले हैं, लेकिन अगर आपको पता तो जल्दी से कमेंट में बता दो। दुनिया ने तो बताए बगैर रन करने शुरू कर दिया, देख दिया अब ये कौन सी एलिमेंटल पावर है। और तेरी की ये तो है एसिड की एलिमेंटल पावर। जैसे जैसे सुनियो इसे लेता जाएगा, सुनियो तो एसिड मैन बनता जाएगा। तो देख क्या ये एलिमेंटल पावर लेते रहोगे, आगे देखो आगे कितने ढेर सारे ड्रामे और तुमसे टक्कर रहे हो।
और इस बेचारे ने तो लिए हुई सारी पावर जया कर दी। ओके भला हूँ, मैं तो बच गया। मैं तो समझा था कि ड्रम में और एसिड होगा। अब तुम्हें बगैर देरी किए इन सारे एसिड को कलेक्ट करना है ताकि तुम लास्ट में मॉन्स्टर को अच्छी तरह से पीट पाओ। अरे बॉस आप फिक्र मत करो, ये देखो अब तो मैं पूरी तरह से एसिड मैन बन चुका हूँ। दुनिया भी उड़कर जा रहा है फाइट करने के लिए, और ये देखो इस बार तो इसकी फाइट होने वाली है। सैनमी की तो मैं धज्जिया उड़ाने वाला हूँ। आप गए जल्दी से, मुझे अपनी इस एसिड पावर को यूज करना होगा। नहीं सुनियो, अपनी एसिड पावर को यूज करके इसे जलाई न डाले। ओके ये और ये, फाइनली मैंने इसकी सारी हड्डियां तोड़ डाली और इसे मार डाला। तो अब बारी मेरी आ चुकी है। पर डोरीमोन तुम ये थानोस कहां से बन गए? ये तो मैंने अपने पैसों से बाय किया है, और आप मुझे मिलने वाली है टोर्नाडो की एलिमेंटल पावर। तो डोरीमोन के पास थानोस की भी पावर है और साथ ही साथ ये टोर्नाडो की पावर भी लेने वाला है। ओके सामने ढेर सारे टोर्नाडो है, आप मुझे जल्दी से इसे लेना होगा। जैसे जैसे टोर्नाडो लेता जा रहा है ये सारी शक्तियां तो डोरीमोन के अंदर शिफ्ट हो रही है। तभी तो मैंने इस टोर्नाडो को चूज किया है ताकि मैं सबको ना अपने अंदर लपेट लूं। लपेटने के लिए तो तुम्हें आगे रॉकेट आ रहा है। डोरीमोन देख देखकर तुम तो बाल बाल बच गए। ओके ये देखो आप, मैंने जंप की और मैं तो इस पार आ गया। लेकिन अभी भी तुम्हें टोर्नाडो की पावर पूरी तरह से नहीं मिली, और अब तुम्हें और ही ज्यादा ना इन टोर्नाडो एलिमेंटल को लेना होगा। नीली बिल्ली तो लास्ट में पहुंच चुकी है, और अब तो ये सारी चीजों को हिलाने वाला है क्योंकि इसने टोर्नाडो की पावर भी ले ली। अब मेरी फाइट इस फाइट में तो नोस के साथ है, मुझे जल्दी से इसे पीटना होगा ताकि मैं ये फाइट जीत लूं। अरे गाइस ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक साइड पर फायर की पावर है और दूसरी साइड पर टोर्नाडो की। मैं तो अपनी हवा का यूज करके इस फायर को बुझा डालूंगा, और ये देखो फाइनली मैंने इसे मार दिया। ओके गाइस अब बारी मेरी आ चुकी है, और हाँ गाइस इस बार मुझे मिलने वाली है इलेक्ट्रिक पावर। बच्चा तुमने तो इलेक्ट्रिक पावर ढूंढ ली, लेकिन मैं कहता हूँ ना तुम अपने गंजे के लिए भी कोई एलिमेंटल पावर देख लो। लगता है इन्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। तो चलो दोस्तों अब मैं फौरन से रन करना शुरू करता हूँ, ये सारी इलेक्ट्रिक पावर लेकर ना अपने आप को पावरफुल बनाता हूँ। वो चैनल तो इस इलेक्ट्रिक एलिमेंटल पावर को ले लेकर अपनी पावर को बनाना शुरू कर दिया है। और वो चैनल अब तुम्हें करके दिखाना होगा, और इन चैनल नोबिता और डोरीमोन की नूब टीम को हम हरा सकते हैं इजीली। अब तो मैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मैन बन चुका हूँ। मैं तो ये पागल हो गया, और इसने तो इस रॉकेट को देखा ही नहीं। वो चैनल तुम्हारी तो बचत होगी, वरना ये रॉकेट तो तुम्हें फाड़ देते। सब अपना बूता बंद करो, वरना मैं अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करके तुम्हारे सारे घर की बिजली बंद कर दूंगा। सरी सरी अभी तो मेरा फेवरेट कार्टून लगने वाला है, इसलिए तुम इलेक्ट्रिक को बंद मत करना। ओके बातों बातों में तो मैं लास्ट में पहुंच गया, और अब मुझे इस थंडर पावर के साथ फाइट करनी होगी। इलेक्ट्रिक और थंडर पावर का मुकाबला तो शुरू हो चुका है, देखते हैं आप कौन जीतेगा। ये और ये, फाइनली मैंने इस थंडर पावर को हरा लिया और ये फाइट जीत ली। कोई भी चैलेंज हो, लेकिन जब तक मैं दूसरी बार खेल ना लूं मुझे मजा नहीं आता। ध्यान तो एक अच्छा पहन कर ली, बैटरी में आ चुके हैं, देखते हैं इस बार ये कौन सी पावर लेने वाला है। और हाँ मुझे मिली है इस बार थंडर पावर। अरे वो ये थंडर पावर तो बेकार है, मैंने अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करके थंडर पावर को हरा दिया था। लेकिन जो भी हो मैं तो इसे कलेक्ट करूंगा ताकि मैं अपने पाप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना पाऊं। ओके जाने तो ये थंडर पावर को लेना शुरू कर दिया है, अब तो गाइस ये पूरी तरह से थंडर मैन में चेंज होते जा रहा है। पर बॉस आप तो थंडर मैन बनकर कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। क्या मतलब तुम्हारा, पहले क्या मैं बदसूरत था? बॉस आप तो हॉट ही हो चुके हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैन के अंदर तो पहले से ही इतनी ज्यादा थंडर पावर जमा हो चुकी है, और ये तो और ज्यादा थंडर एलिमेंटल को लेता जा रहा है। कोई भी यहाँ पर थंडर बचना नहीं चाहिए ताकि मैं लास्ट में ना इस एनिमी को हरा पाऊँ। अब जान की फाइट होने वाली है मल्टीपल एनिमी मॉन्स्टर के साथ। तो मैं टिकट नहीं दे रहा, मैं तो आते साथ ही इसके पर हम लोग की बारिश कर दी। दोस्तों जब तक दोनों की फाइट हो रही है, आप लोग फटक से ना कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों में से कौन जीतेगा। अभी कोई पूछने की बात है, फाइट तो मैं जीतूंगा, और आप देखते जाओ मैं इसे कैसे पीटता हूँ। ये देखो ना फाइनली मैंने ये फाइट जीत ली। ओके गाइस अब मैं एक किंग का ताज पहन कर लेबोरेटरी में उतर चुका हूँ गोल्ड की पावर लेने के लिए। कंप्यूटर ने तो दो दो एलिमेंटल गोल्ड पावर को लेकर मैच कर दिया। तो ओके दोस्तों अब मुझे गाइस इस गोल्ड की पावर को लेने के लिए रन करना होगा। और हाँ ये गोल्ड पावर तो इस वर्ल्ड की सबसे खतरनाक पावर है अभी तक की। मिसिंग, जैसे जैसे गोल्ड को लपेटा लेते जा रहा है लपेटा तो गोल्ड मैन बन रहा है। अरे पावर तो चुकना चूर हो जाएगी क्योंकि आगे तो ड्रम आ रहे हैं।
के भला हो इन ड्राम से तो मैंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन नोबिटा तुम्हें तो सिर्फ इस गोल्ड को लेना है ना कि स्कल को। नहीं जी तो नोबिटा को गोल्ड मैन बनने नहीं देंगे। और ये देखो आगे तो फिर से इतने ढेर सारे एसिड के ड्रामा आ चुके हैं। ओके भला हो एक एक से तो मैं फंस गया। अब फाइनली मुझे लास्ट में गोल्ड को लेना है और अब तो मैं पूरी तरह से गोल्ड मैन बन चुका हूँ। इसकी फाइट होने वाली है स्काल थंडर मॉन्स्टर एलिमेंटल के साथ। तो गाइस गोल्ड का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, इसीलिए अब मुझे फटक से ना इसे हराना होगा। बेटा के लिए लाइक तो बनता ही है क्योंकि इसने गोल्ड को लेने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत जो की और अब तो इसने इस एलिमेंटल मॉन्स्टर को हरा लिया और ये फाइट जीत ली। तो चलो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप लोग जल्दी से कमेंट में मेंशन करो कि नेक्स्ट एलिमेंटल पावर हमें कौन सी लेनी चाहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।